पटना पहुंचे बागेश्वर बाबा समर्थों की उमड़ी भीड़, कहा बिहार हमारा है हो सब ठीक बारो। बाबा बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पटना पहुंच चुके हैं। वे इंडिगो की फ्लाइट से पटना एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी, जैसे ही राम के नारों से बाबा का स्वागत किया गया। यहां से वे सीधे पनास पहुंचे, यहां वे अपने समर्थकों से मिले, इसके बाद कमरे में चले गए। खास बात यह रही कि बाबा का विरोध करने की बात कहने वाले मंत्री तेज प्रताप यादव और उनका DSS कहीं नहीं दिखा। पटना एयरपोर्ट से लेकर होटल पनास तक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। मीडिया से बातचीत करते हुए बाबा ने कहा कि बिहार हमारा है हो सब ठीक बानी रहुआ, मैं संत और कथाकार हूँ, राजनेता नहीं। भाजपा सांसदों ने गुलाब फूल देकर किया बाबा का स्वागत। इधर बाबा बागेश्वर के साथ भाजपा नेता मनोज तिवारी भी पहुँचे। मनोज तिवारी ने उनकी गाड़ी चलाकर एयरपोर्ट से होटल पनास पहुँचे। उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करने वाले मंत्री तेज प्रताप यादव को हनुमंत कथा में आने की सलाह दी। उनके साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और भाजपा सांसद रामकृपा यादव भी शामिल थे। भाजपा सांसदों ने गुलाब फूल देकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत किया। इस दौरान भक्तों ने कहा कि आज सारे विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। भक्तों ने कहा कि बाबा का दर्शन कर मन शांत हो गया। होटल पनास में 5 दिन रुकेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। पनास होटल में 5 दिन के लिए बाबा ठहरेंगे। होटल के बाहर बाबा की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिना पास के किसी को होटल के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। होटल से दोपहर 3 बजे नौबतपुर के लिए रवाना होंगे। इधर बाबा बागेश्वर धाम सरकार की सुरक्षा को लेकर पटना पुलिस ने सुरक्षा की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इधर पुलिस मुख्यालय ने पटना पुलिस को बाबा की सुरक्षा को लेकर कई निर्देश दिए हैं। बाबा बागेश्वर की सुरक्षा की तैयारी में बिहार पुलिस की 3 कंपनी तैनात की हैं। इसमें 15 मजिस्ट्रेट तैनात हैं। कार्यक्रम स्थल पर 10 जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। भाजपा नेताओं के साथ जदयू के एक मंत्री के समर्थन और तेज प्रताप समेत राजद के मंत्रियों के विरोधी स्वर के बीच पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कुछ ही देर में पटना पहुँच रहे हैं। आज से 3 दिनों तक उनका प्रवचन है।